वेतना। सो मॉर्निंग उठ के प्रोग्राम तो थैंक सेंस फैक्ट्री में जाने का, लेकिन मुझे सिल्क फैक्ट्री भी देखनी थी। तो सिल्क फार्मिंग मैंने देखी, कोकून से मैंने जब उसको कट किया तो उसमें कैटरपिलर देखा, फिर उसके बाद कैसे सिल्क बनता है मशीन्स में वो देखा। सिल्क की डाई देखना रह गया है, वो मैं फिर कभी देख लूंगी। तो ये ट्रेलर एक मैंने देख लिया सिल्क बनते हुए। फिर उसके बाद हम लोग गए लेकर फैक्ट्री में। लेकर ट्री में से लेकर मतलब सैप निकाला जाता है, उसके बाद लेकर मतलब जो पेंटिंग में यूज होता है। तो मैंने एक पेंटिंग देखी जो एग शेल से बनाई जाती है, वो मेरे लिए यूनिक थी और अब मैं जरूर बनाने वाली हूँ एग शेल से पेंटिंग घर जाती है, क्योंकि मेरे लिए एक नई चीज़ थी। उसके बाद मैं गई पपेट शो देखने, पपेट शो देखा। लेकिन इसके बीच में मैंने देखी सबसे अच्छी चीज़ जो मैंने डे टू जिसके लिए मैंने प्लान किया था, वो था हमारा क्वेंग फू काओ में इंसेंस फैक्ट्री। मतलब वहाँ पर पूरा एक विलेज, एक कम्युनिटी थी, जहाँ पर जाते ही सबसे पहले तो इतनी अमेजिंग जगह थी, एक वर्ल्ड ही अलग था। वहाँ पर मैंने पहली बार लाइफ में स्मॉल लिटिल डकलिंग्स, येलो कलर के डकलिंग्स देखे, पानी में खेल रहे थे, क्वैक क्वैक क्वैक। सो बहुत ही अच्छा वो सीन था, बहुत ही प्यारा, मतलब नेचर से जुड़ा हुआ। फिर मैंने वहाँ पर देखा ऐसे ह्यूज रोड्स पे, मतलब एक पूरा एक अलग विलेज है, बहुत ही बड़ा विलेज, वहाँ पे फैक्ट्री सेटअप भी था। तो रास्ते में धूप में सन ड्राई किया हुआ था, बैम्बू स्टिक्स को खुद काट के, बैम्बूज को पतले पतले स्टिक्स बना के डाई करके, फिर उसके बाद पाउडर मशीन्स में, मतलब पाउडर जो था इंसेंस का, वो पाउडर बना था सिनेमन, एनीस और ऐसे ऐसे फ्रेग्रेंस डाल के, हर्बल, प्योर हर्बल। एक वहां पर ऐसी जगह थी जो ओपन फॉर टूरिस्ट थी, जहां पर आप फोटोग्राफ्स ले सकते हो, सीनिक पिक्चर, फोटोजेनिक, मतलब ऐसी जगह। वहां खत्म हुआ हमारा डे, क्वेंग फू काओ विलेज में हमारा डे फिनिश हुआ। सो अब डे थ्री देखते हैं क्या है हमारे डे थ्री में।